हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ज़ियारा सो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट जिम जाके आ जाती हूँ। सो मेरा जिम हो चुका है, सोच रही थी 10 मिनट कार्डियो करूँगी बट आई डोंट थिंक मैं कर पाऊँगी बिकॉज मैंने कैमरा चेक किया, ज़ियारा उठ गई है। तो आई एम जस्ट गोइंग होम और आज आई एम गोइंग टू स्पेंड सो मच ऑफ क्वालिटी टाइम विद ज़ियारा बिकॉज आई हैव एन ऑफ टुडे। सो आज तो हम मस्ती करने वाले हैं बहुत सारी, तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए और करते हैं मस्ती, चलते हैं। सो कल रात को बहुत ही भयंकर बारिश हुई है, मतलब कल रात को मैं ज़ियारा के पास सो रही थी तो मुझे लगा था ज़ियारा उठ ना जाए, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा लाइटनिंग हो रही थी, इतनी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा था कि आज तो ज़ियारा उठ ही जाएगी नींद से। तो मैं पूरी रात उसको ऐसे ऐसे करके सुला रही थी, थोड़ा सा हिल रही थी फिर उसको वापस ऐसे ऐसे करके सुला रही थी। मैं सोच रही थी कि बारिश स्टार्ट होने से पहले मुझे घर चेंज करना है और सब काम करते करते अब बारिश ही स्टार्ट भी होने लग गई है, तो अब आई थिंक थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा और जल्दी घर चेंज करना होगा क्योंकि मॉनसून में ये वाली बिल्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा बिकॉज थोड़ा अंदर जाके है और अगर पानी इकट्ठा होने लग गया तो इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम। सो आई नीड टू चेंज द हाउस नाउ लाइक अर्जेंटली। मेट्रो से जा रही हूँ ताकि जल्दी पहुँच जाऊँ क्योंकि ज़ियारा उठ चुकी है और आज का दिन मेरा और ज़ियारा का। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ, क्या टाइमिंग है, मतलब अब इतना भाग भाग के आए कि ये वाली ट्रेन मेरी मिस ना हो जाए। यहाँ मैं प्लेटफॉर्म पे आई और वहाँ से ट्रेन आ रही है क्योंकि जब ज़ियारा उठ जाती है उसके बाद आई डोंट वांट टू वेस्ट अ सिंगल मिनट। टाइमिंग दरवाजा पास से अंतर क्यों उभर रहा। 2, 3, 4 One more time? Okay. Italo. Hello? What? But aaj to shoot nahi tha na? Okay. अभी तो घर का सारा काम पड़ा है, ज़ियारा को स्कूल छोड़ के आना है, उसे पिकअप करना है, आगे की शूट डेट्स प्लान करने हैं, आज रात की शूट की प्रिपरेशन करनी है। हे भगवान, बस एक दिन रिलैक्सेशन के लिए मिल जाए, पर लगता है अभी एक दिन का रिलैक्सेशन ना एक घंटे में ही पूरा करना पड़ेगा। ज़ियारा, लेट्स गेट रेडी, चलो 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 चलो। तो ये क्विक फिक्स रिलैक्सेशन के लिए आई डिसाइडेड टू गिफ्ट myself a spa और क्योंकि मुझे ये अपने ऑलरेडी पैक्ड डे में फिट करना था तो मैंने अर्बन कंपनी से स्पा घर बुला ली। जैसे ही अर्बन कंपनी की प्रोफेशनल साक्षी ने पूरा बेड ऑयल वगैरह सेटअप किया, एकदम से होटल के फैंसी स्पा वाली फीलिंग घर पे आ गई। नेक्स्ट एक घंटे में मेरा सारा स्ट्रेस और थकान गायब हो गया और ऊपर से शूट के पहले मेरी स्किन ग्लो भी करने लग गई विद द मसाज। Oh my god, I'm feeling so relaxed. अरे बाप रे, ज़ियारा को पिक करने के लिए जाना है, I'm rushing. All right guys, तो मैं जा रही हूँ क्विकली ज़ियारा को पिक करने के लिए, लेकिन आपको जल्दी से बता देती हूँ कि अगर आपको भी मेरी तरह ऐसा क्विक फिक्स रिलैक्सेशन या स्ट्रेस बस्टर की जरूरत हो तो अभी के अभी अर्बन कंपनी से अपने लिए स्पा एट होम बुक कीजिए और अगर आप मेरा कूपन कोड जो कि है चारू200 उसे यूज करेंगे तो आपको 200 rupees का ऑफ मिल सकता है। लेकिन याद रहे ये ऑफर इस वीक का ही है, तो जल्दी से जाइए और अर्बन कंपनी से अपने लिए स्पा एट होम बुक कीजिए। बाय। उधर से बैठो आगे। Ziana, what's yeah. happening? Tia? Tia. हाँ क्या बोल रहे, समझ नहीं आया बेटू, वापस से बोलना पड़ेगा आपको।
पैर दुख रहे होंगे ना आपके? हाँ दुख रहे पैर? अच्छा ले ये फिंगर आया आया क्योंकि अचानक मुझे पता चला है कि मेरा शूट है आज शाम को और मेरा सारा जो प्लानिंग था वो मुझे उसके हिसाब से चेंज करना पड़ा, तो जो नेक्स्ट शूट्स की जो डेट प्लान्स करने थे, जो जहाँ से कहाँ से पेमेंट आने वाली है, कहाँ मेरा एक्सपेंस जाने वाला है, तो एवरीथिंग यू नो मैं इस तरह नोट डाउन करती हूँ, तो वो सब किया है बिकॉज इट्स रियली नेसेसरी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके एक्सपेंसेस क्या है और आपके इनकम है वो क्या है, तो इसीलिए मैं ये करती हूँ कि कहीं पर भी मैं किसी भी एंगल से मैं अपने बजट के बाहर नहीं जाना चाहती हूँ। ऑब्वियसली जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं बड़े बुजुर्ग, तो फिलहाल तो वही दिमाग में लेके चलती हूँ। आई थिंक लाइफ एज इट कम्स टू मी एक दिन का प्लान करके चलती हूँ कि आज क्या क्या करना है, आज क्या क्या होने वाला है। आई मेक श्योर कि मैं अपना हर दिन थोड़ा प्रोडक्टिव रखूँ, कुछ ऐसा करूँ जो आगे हेल्प करने वाला है। तो एनीवे ये मेरा रूटीन है, ये मैंने कर लिया है। नाउ आई विल गेट रेडी एंड गो टू माय शूट। मुझे उसके लिए अपना हेयर वॉश कराना बिकॉज मेरे बालों की हालत बहुत ख़राब है, तो मैं सियाना को लेकर आई। उसके बाद यू नो हमने थोड़ा हंसी हंसी किया है, लेकिन अभी नीड टू गेट रेडी फॉर द शूट। सो या वन थिंग आई रियली वॉन्ट टू टेल यू गाइज, आजकल जो एस्टेट है ना इट्स बिकम वेरी एक्सपेंसिव। सिर्फ रेंट नहीं होता, उसके बाद ब्रोकरेज होता है, यू नो डिपॉजिट होता है, सो इट्स रियली अ पेन, पर वॉट टू डू, वी हैव टू यू नो फाइंड अ प्लेस, बिकॉज ये जो घर है ना जहाँ हम रह रहे हैं इट्स अ वेरी नाइस हाउस, इट्स अ वेरी क्यूट हाउस, बट मेरे और ज़ियाना के लिए थोड़ा छोटा पड़ रहा है। और ज़ियाना अब क्योंकि शी इज़ ग्रोइंग अप, तो उसको भाग में दौड़ने के लिए जगह चाहिए, शी नीड स्पेस, तो उसके लिए मुझे एटलीस्ट एक 2 BHK में जाना पड़ेगा जो यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो स्टिल आई एम डूइंग इट, मैंने नोटिस दे दिया इस घर के लिए, तो मेरे पास सिर्फ 1 महीना है, 1 महीने मुझे घर ढूंढना है, शिफ्ट करना है एंड वॉट नॉट। मुंबई में घर ढूंढना, जो मुंबई के लोग हैं उनको अच्छी तरह पता है कि इट्स नॉट एन ईजी टास्क। सो या चलिए रेडी होते हैं और काम पर जाते हैं, क्योंकि काम भी बहुत ज़रूरी है। लेट्स गो। हाय गाइस, आई एम डन विद माय हेयर और अब मैंने सोचा कि जब मैं इधर आई गई हूँ बाल करवाने के लिए तो एक कॉफ़ी पी के जाती हूँ। सो आई एम हैविंग माय कॉफ़ी, उसके बाद मैं घर जाऊँगी, देखूँगी कि सब चीज़ें जगह पर है एंड देन आई विल गो टू माय शूट।